मेरे यार की शादी है। मम्मा मम्मा, मैं नदी पर घूमने जा रही हूँ, वहाँ पर मेरी सारी सहेलियाँ आ रही हैं। अरे बेटा, आप नदी पर घूमने मत जाओ। बेटा, अब आप सयानी हो गई हो, आपके शादी का टाइम हो गया है। अब आप अपने घर का काम काज सीख लो। मैं कल ही अपने सहेली के लड़के से मिली थी, मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बताया। उसे आप बहुत पसंद हो। बेटा, कुछ दिनों में मैं उससे आपकी शादी कर दूंगी, इसलिए अब आप काम काज सीख लो। अरे वाह मम्मा, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। आपको नहीं पता कि आपके सहेली का लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके पंख मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे बेटा, आप ये कैसी बात कर रही हो। बेटा, पंख सिर्फ उड़ने के लिए होते हैं, इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है। अरे मम्मा, आप मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, मुझे जाने दो। मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। इतना कहकर रानी चिड़िया नदी के पास चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने छोटी बेटी सोना चिड़िया से कहती है, अरे सोना, मुझे तो इस रानी का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। बेटा, आप एक काम करो, आप इसके पीछे जाओ और देखो कि ये नदी पर क्या कर रही है। आखिर इसके कौन ऐसी सहेली आ गई है जो मुझसे ये ऐसे बात कर रही है। अरे हाँ मम्मा, मुझे भी दीदी का बर्ताव आजकल बहुत ही बुरा लग रहा है, ये हम दोनों से ऐसे ही बात कर रही है। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जाकर अभी पता करके आती हूँ। इतना कहकर सोना चिड़िया भी उसके पीछे निकल जाती है और नदी के पास छुपकर देखने लगती है। अरे रानी, तूने अपनी माँ से हमारी शादी के बारे में बात की या नहीं? अरे आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा? अरे मैं क्या करूँ, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। मैं कैसे उनसे कहूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? अरे अगर तुम नहीं कहोगी तो तुम बोलो तो मैं कह दूँ। अरे हाँ बबलू जी, आप एक काम करो, आप ही मेरी माँ से बात कर लो। ये सारी बातें सोना चिड़िया छुपके सुन रही थी। ये सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उड़ते हुए अपने माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मा मम्मा, मैंने रानी दीदी को एक चिड़ी से बात करते हुए देखा है। वो नदी पर सहेलियों से नहीं, एक चिड़े से मिलने गई है जिसका नाम बबलू है। मम्मा, इसलिए दीदी हम लोग के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, आप जल्दी से मेरे साथ चलो। अरे हाँ बेटा, जल्दी चलो, आखिर मैं भी तो देखूं कि ये बबलू है कौन। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया और सोना चिड़िया दोनों उड़ते हुए रानी चिड़िया के पास जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बेटा रानी, तुम तो अपने सहेलियों से मिलने आई थी, फिर ये लफंगा कौन है, आखिर इसका नाम क्या है? अरे ओ सासू माँ, अरे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मुझसे ऐसे बात ना करो। अरे अगर तुम आज मेरी सास ना होती तो अगर तुम मुझे लफंगा कहती तो मैं तुम्हारा पंख तोड़ देता, लेकिन शुक्र करो कि तुम रानी की माँ हो। अरे दीदी, आप खड़े खड़े ये सारी चीजें कैसे सुन रही हो? देखो ना, ये सरेआम माँ की बेइज्जती कर रहा है। दीदी अब आप घर चलो, इसको छोड़ दो दीदी, ये बहुत गंदा है। अरे सोना, तू चुप कर जा, आजकल तू भी बहुत ज्यादा बोल रही है। तभी बबलू चिड़ा कहता है, अरे रानी, अब मुझे तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन का एक नहीं सुनना है, तुम साफ साफ मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगी या फिर अपने माँ के साथ। रानी चिड़िया दो मिनट शांत हो जाती है और सोचने के बाद वो अपने माँ के साथ ना जाते हुए बबलू चिड़े के साथ उड़ जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है।
बेटा, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तूने इस लड़के को चुना? अपनी माँ को छोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तभी सोना चिड़िया कहती है, अरे मम्मा चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। दीदी को तो आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं है, लेकिन मम्मा मैं आपके साथ हूँ, आप घर चले, ऐसे ना रोए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे कहकर सोना चिड़िया अपने माँ को लेकर घर के लिए चली जाती है। और इधर बबलू चिड़िया भी रानी चिड़िया से शादी करके अपने घर लेकर जाता है। तभी बबलू चिड़े की माँ कहती है, अरे ओ बबलू, अरे ये कौन है? ये करमजली कहाँ से आ गई? अरे इसे तू कहाँ से लाया है? अरे माँ चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, दो मिनट शांत भी रहो। अरे रानी सुनो, तुम अंदर चलो, मैं माँ को सब कुछ समझा कर आता हूँ। अरे माँ अब क्यों परेशान हो रही हो? अरे मैं नौकरानी लाया हूँ, नौकरानी, इससे मैं छोटी शादी किया हूँ, आज से ये हमारे घर का सारा काम करेगी, और देखना एक ना एक दिन तंग आकर खुद ब खुद हमारा घर छोड़कर भाग जाएगी, फिर माँ तुम अपनी पसंद का मेरी शादी कर देना। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे माँ बेटे दोनों बातें करके हंसने लगते हैं। दो से तीन दिन गुजर जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने बेटी सोना से कहती है, अरे बेटा सोना, रानी को गए हुए आज 4 दिन हो गए, लेकिन वो अभी तक लौटकर घर वापिस नहीं आई। बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं रानी से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया रानी के घर पे उड़ते हुए आ जाती है। रानी चिड़िया जैसे ही अपने माँ को देखती है गले से लगा लेती है। अरे ओ करमजली, अरे ये कौन है? अरे ये बुढ़िया अंदर कहाँ से घुस आई? अरे माँ जी आप चुप हो जाएं, माँ जी ये मेरी मम्मा है, मुझसे मिलने आई है, आप मेरी माँ से ऐसे बात ना करें। अरे वाह तू तो बहुत बोल रही है, अरे अगर तेरी माँ है तो यहाँ पर क्या कर रही है? अरे इसे जल्दी से घर से मेरे बाहर निकाल, वरना मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं ना जाने क्या क्या कह दूंगी। ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें भर जाती हैं और वो रोते हुए घर के लिए निकल जाती है। इधर बबलू चिड़िया भी आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे मम्मा क्या हुआ? अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? आखिर क्या हो गया? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, तेरी पत्नी मुझसे कब से लड़ रही है? अरे आज इसकी माँ आई थी, जिसकी वजह से ये मुझसे लड़ाई कर रही है। अपने माँ की ये बात सुनकर बबलू चिड़िया रानी चिड़िया को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, अरे माँ जो चिड़िया अपने माँ की नहीं हुई वो हम सब की क्या होगी? ये बात रानी चिड़िया के दिल और दिमाग में घुस जाता है और वो सोचने लगती है, हे भगवान मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अपनी माँ को छोड़कर इसके साथ शादी की और ये मुझ पे अत्याचार कर रहा है, मुझे अपने माँ के पास जाना ही होगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे सोचकर रानी चिड़िया रोते हुए अपने माँ के घर जाती है और सीने से लगा लेती है और कहती है, मम्मा मम्मा मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने आपको छोड़कर उसके साथ शादी कर ली, मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो। टुनटुनी चिड़िया अपने रानी बिटिया को गले से लगा लेती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन बेटा तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया, वही मेरे लिए बहुत है। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है और अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है।